गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग इन सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 2 चैप्टर नंबर 4. ओके, चैप्टर नंबर 4 है हमारा अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. हाँ, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं ना, कैसे करते हैं? ये डिवाइड का साइन लगाते हैं, आप लोग टेबल लिखते हैं और डिवाइड का साइन लगाते हैं. क्लास 2. ओके, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई करना है तो रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन मतलब एक ही नंबर को अगर हम बार बार प्लस करते हैं और उसी को ही हम अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रिपीटेड एडिशन जो होता है वो सेम होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के. कैसे, मैं समझाती हूँ. यहाँ पर मेरे पास में बुक में तो अलग अलग पिक्चर्स बने हुए हैं, बट मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो मैंने यहाँ पर ओनली सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. ओके, चलेगा ना बच्चों? हाँ, चलाना ही पड़ेगा, अभी क्या करोगे, है ना? तो मैंने यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ किए हैं मेरे पास में, और उसके सर्कल्स के मैंने ग्रुप बना दिए हैं. ठीक है, ग्रुप कैसे बनाते हैं? जैसे मेरे पास में चार थे तो मैंने उसके टू टू के ग्रुप बना दिए. अभी टू यहाँ पर सर्कल है, टू यहाँ पर सर्कल है. ओके, तो 2+2 ये होता है एडिशन फैक्ट. एडिशन फैक्ट मतलब एडिशन करना, कि मेरे पास में ये दो सर्कल हैं और ये दो सर्कल हैं, तो 2+2 कितना होता है? 2+2 1, 2, 3 and 4. तो एडिशन फैक्ट में हम लिखते हैं 4. अब अगर इसको हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो 2 के हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर? 2 ग्रुप्स आर देयर, एंड इन वन ग्रुप हाउ मैनी नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर? ओके, कितने ग्रुप्स से आपको वो काउंट करना है, टोटल ग्रुप्स आपको काउंट करने हैं, एंड उसके बाद में एक ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ थिंग्स है वो आपको देखना है. अब यहाँ पर मेरे पास में तो 2 ग्रुप्स है और एक ग्रुप में भी दो ही चीज़ें हैं, तो 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 2. 2 2 ज़ा कितना होता है? आपको टेबल्स तो फर्स्ट में सिखाए ही हैं, तो 2 का टेबल तो वेरी ईजी है ना. देन 2 2 ज़ा 4, आप यहाँ पर 4 लिखेंगे. ये तो था, सेम नंबर थे, इसीलिए आपको शायद समझ में ना आया हो. मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताती हूँ. यहाँ पर मेरे पास में एक ग्रुप में, वहाँ पर तो बटरफ्लाइज बनी हुई है बुक में, बट मेरी ड्राइंग, मैंने बताया ना, पहले भी बताया था मैंने, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो आई हैव मेड सर्कल्स हियर. ओके, अभी 1, 2, 3 एक ग्रुप में कितने सर्कल्स हैं? 1, 2 and 3. एंड हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 3 आर देयर? 1, 2, 3 and 4. कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास में? 1, 2, 3 and 4. और एक ग्रुप में कितने सर्कल्स हैं? तो 1, 2 and 3. अब ये तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की बात कर रहे थे, अभी अगर हमको इसको एडिशन फैक्ट में लिखना है तो हम क्या करेंगे? एक ग्रुप में कितने सर्कल्स हैं? 3. दूसरे ग्रुप में 3, तीसरे ग्रुप में भी 3 है, एंड फोर्थ ग्रुप में भी 3 है. तो हम 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3 and 4. ओके, 3 को हमको लिखना है 4 टाइम्स. तो अब टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. यहाँ पर आएगा 12. ओके, अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है तो मेरे पास में कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया. ठीक है, अब एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं? 1, 2 and 3. तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमने जब 3 को 4 टाइम्स प्लस किया था तब भी हमारा आंसर 12 आया था. अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी हमारा आंसर 4 3 12 आएगा. इसके लिए आपको टेबल्स लर्न करने की बहुत ज़रूरत है. लर्न टेबल्स 2 to 10. ओके, 1 का टेबल तो वैसे भी बहुत ईजी होता है, 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2. तो इसीलिए आपको 2 से लर्न करना स्टार्ट करना है. उसके बाद है हमारा सेम वही है, हमारे पास में एक ग्रुप में है 1 2 3 4, देन नेक्स्ट 1 2 3 4, देन 1 2 3 4. इसका एडिशन फैक्ट क्या होगा? हमारे पास में एक ग्रुप में 4 नंबर हैं, हमको 4 नंबर हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू ऐड?
थ्री टाइम्स बिकॉज थ्री ग्रुप्स आर देयर, मेरे को थ्री टाइम ये फोर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में थ्री ग्रुप्स है, वन टू एंड थ्री, तो मैं थ्री टाइम फोर लिखूंगी. एंड फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12. ओके, अब मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखना है. आपको एक ईजी मेथड सिखाते हैं. यहाँ पर कितनी बार आपने 4 लिखा है, 3 बार, मतलब हमारे पास में कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं. तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई, एक ग्रुप में कितने नंबर हैं, यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लिखा है एडिशन फैक्ट में, 4 लिखा है, तो आप 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 3 फोर ज़ा होता है 12. ओके, अभी डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ डैश, इक्वल ग्रुप कितने हैं, कितने इक्वल ग्रुप हैं, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3. एंड एक ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, तो 4. एंड डैश इन ऑल, हमको आंसर क्या मिला, 12. 12 इन ऑल, टोटल मिलाकर 12 है. नेक्स्ट है, हमारे पास में दो ग्रुप हैं और के कितने नंबर हैं, वन ग्रुप में कितने सर्कल्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो उसका एडिशन फैक्ट अगर हम लिखते हैं, मैंने एडिशन फैक्ट को स्मॉल उसमें लिख दिया है AF, इसका मतलब है एडिशन फैक्ट, अंडरस्टैंड. एडिशन फैक्ट है मेरे पास में कितने ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, और वन ग्रुप में कितने हैं, 5, तो मैं 5 को 2 टाइम ऐड करूँगी. 5 को मैंने 2 टाइम ऐड किया, देन 5 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 5 होता है 10. और उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होता है, कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास में, तो 2 ग्रुप्स हैं, और एक ग्रुप में हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, देयर आर 5 सर्कल्स इन वन ग्रुप, सो व्हाट इज द आंसर, 2 5 ज़ा 10. ओके, डैश इक्वल ग्रुप्स, हमारे पास में कितने इक्वल ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास 2 इक्वल ग्रुप्स हैं, और हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन वन ग्रुप, सो 5, देन 2 5 ज़ा 10 इन ऑल. ओके, ये आपका फर्स्ट पेज का ये सिर्फ वार्म अप था जो कि मैंने आपको समझाया है. उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लाइंग बाय 2. इस चैप्टर के लिए आपको मल्टीप्लाई मतलब आपको टेबल्स तो लर्न करते ही रहना पड़ेगा. अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो आप इस चैप्टर को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी. मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मेरे पास में 6 ग्रुप हैं फाइव एंड सिक्स, एंड हाउ मैनी इन वन ग्रुप, 2, दो एक ग्रुप में हैं और मेरे पास में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 ग्रुप्स हैं, तो मैं सबसे पहले 2, 2 को 6 टाइम ऐड करूंगी. ओके, नाउ हाउ मेनी टोटल आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12. यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12. ओके, अब मेरे पास में कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो मेरे पास में 6 ग्रुप्स हैं, और एक ग्रुप में कितने नंबर हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, एक ग्रुप में नंबर है 2. आप यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ ये एक ऐसे 1-1 ग्रुप को ही देखना है. बुक में आपके अच्छी तरह से थोड़ा स्पेस वाइज दिया हुआ है, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी. 6 2 ज़ा होता है 12. तो ये होता है मल्टीप्लाई बाय 2. किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आपको लिखना है. इसमें 2 2 का ग्रुप ही बनाया हुआ है. उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और एडिशन फैक्ट जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है. उसके बाद आपके आई कैन डू इट, उसमें भी 2 2 का मल्टीप्लिकेशन है. यू कैन डू इट योरसेल्फ इन टेक्स्ट बुक. ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स, वहाँ पर फ्लावर्स बने हुए हैं, आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स काउंट करने हैं, और उसके बाद वहाँ पर आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स लिख देने हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है. उसके नीचे मैच द कॉलम है,
वो आपको देखना है किस तरह से मैच किया हुआ है। ये मैं आप लोगों को, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका आपको पिक्चर खींच कर और डालूंगी, फिर आप कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद आता है स्किप काउंट बाय टू। अगर हमको स्किप काउंट बाय टू करना है तो हम कैसे करेंगे, टू टू को काउंट करके, मतलब टू का हमको टेबल लिखना है, एक नंबर स्ट्रिप बनी हुई है उसके ऊपर आपको स्किप काउंटिंग करना है। सिक्स सेवन एट नाइन टेन और आगे इसी तरह से चलता जाएगा, इलेवन ट्वेल्व। अब अगर मुझे टू टू काउंट करना है, स्किप करना है, तो टू पर, फिर उसके बाद में वन टू, फोर पर, फिर सिक्स, फिर एट, फिर टेन, फिर ट्वेल्व, इस तरह से आगे आगे वो स्किप काउंटिंग होता जाएगा, मतलब आपका टू का टेबल रेडी हो जाएगा। इट्स टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू सिक्स, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू नाइन ज़ा एटीन एंड टू टेन ज़ा ट्वेंटी। ओके, इस तरह से आपका टू का टेबल, अगर आप टू टू स्किप करके 20 तक जाते हैं तो आपका टू का टेबल रेडी हो जाता है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी बन जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.2, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आप कैसे लिखेंगे, आपके यहाँ पर ऊपर दो ग्रुप है वाटरमेलन के और पास में आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। ओके, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, टू ग्रुप्स आर देयर एंड हाउ मेनी थिंग्स आर इन वन ग्रुप, आपके एक ग्रुप में कितनी चीज़ है, तो एक ग्रुप में हमारे दो वाटरमेलन ही है तो टोटल कितने हो गए, टू टू ज़ा फोर। ओके, उसके नीचे आपके चेरीज के ग्रुप बने हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, एंड बुक में भी सेवन चेरीज के टू टू के ग्रुप बने हुए हैं, उसका आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, अभी मैंने काउंट किया था कितने ग्रुप्स हैं हमारे, सेवन, और एक ग्रुप में कितने हैं, टू, क्योंकि अभी हमने टू टू का ही स्किप काउंटिंग सीखा तो इसीलिए आपको हर ग्रुप में टू ही रखना है, एक ग्रुप में टू है, देन सेवन टू ज़ा फोर्टीन। और मल्टीप्लिकेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको सेवन का टेबल नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप टू का टेबल बोल सकते हो सेवन तक के लिए, टू सेवन ज़ा फोर्टीन। मल्टीप्लिकेशन आप सेवन टू ज़ा करो चाहे टू सेवन ज़ा करो, आंसर इज़ द सेम, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका नीचे क्वेश्चन नंबर बी है, राइट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल एंड राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। वहाँ पर बनी एक रैबिट है, वो जंप करके कहाँ जा रहा है और वो टू टू जंप करके कहाँ पर पहुँच रहा है, उसका आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वाली नंबर स्ट्रिप में ज़ीरो से स्टार्ट किया है उसने, टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व पर गया है, फर्स्ट वाला सॉरी किया हुआ ही है, उसने कितने जंप किए, टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व, उसने सिक्स जंप किए और हर जंप में वो टू नंबर स्किप कर रहा है, तो सिक्स टू ज़ा वो कहाँ पर पहुँचा है, ट्वेल्व पर पहुँचा है। अब आपको नीचे डॉटेड लाइन से उसको वहाँ पर पहुँचाना है, उसने कितने जंप मारे हैं उस फ्रॉग ने, तो कितने जंप मारे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, उसने नाइन जंप मारे हैं, तो फर्स्ट सर्कल में आएगा नाइन, नाइन जंप्स ऑफ टू स्टेप्स, जंप्स ऑफ टू स्टेप्स, तो वो फ्रॉग कहाँ पर जाके पहुँचा है, वो 18 पर जाकर पहुँच गया है, 9 टू ज़ा 18। ओके, उसके बाद थर्ड वाला आप अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद का आपका टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय 5। अब आपको 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, कंप्लीट द टेबल, नंबर ऑफ ग्रुप्स 2, उसके बाद में एक लीफ के अंदर एक जो आपका बंच है लीफ का उसके अंदर कितनी लीव्स हैं, उसमें है 5, फिर टोटल कितनी लीव्स हो गई, 10,
रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. ये आप लोगों को फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. हम लोग सेकेंड वाला करेंगे. सेकेंड वाले में ऐसे 1, 2 and क्योंकि हमको मल्टीप्लाइंग बाय 5 सीखना है तो हम एक ग्रुप में 5 का ही हमको रखना है. तो एक लीफ के अंदर, एक जो आपका ये लीफ का बंच है उसके अंदर आपकी 5 लीव्स हैं, 1, 2 and 3. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है आपका कॉलम बनेगा नंबर ऑफ ग्रुप्स. तो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 3. एक लीफ, एक ग्रुप के अंदर कितनी लीव्स हैं? तो आएगा 5. अब टोटल कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो टोटल लीव्स कितनी हो गई? 15. अब आपको उसका एडिशन फैक्ट लिखना है. तो एडिशन फैक्ट कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 5 = 15. उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है तो वो किस तरह से आएगा? कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास में? चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, 1, 2 and 3. तो हमारे पास में 3 ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप के अंदर कितनी लीव्स हैं? तो हमारे पास 5 लीव्स हैं. तो 3 × 5 होता है 15. तो हमारा आंसर इस तरह से आपको ये टेबल फिलअप करना है. उसके बाद आपका आता है स्किप काउंटिंग बाय 5. जैसे हमने नंबर स्ट्रिप 2 में स्किप किया था उसी तरह से अगर हम 5 स्किप करते हैं तो ये आप लोगों का 50 तक का टेबल बना हुआ है. आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50 इस तरह से आपको उन पर कलर करना है और ये आपका हो जाएगा 5 का टेबल. इज इट 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 35, 5 × 35, 5 × 40, 5 × 45, 5 × 45 and 5 × 50. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप टेबल बार बार घर पर रिपीट करते रहेंगे. ओके, मम्मा को सुनाइए, पापा को सुनाइए, अपने आप रिपीट कीजिए. इस तरह से आप टेबल लर्न करते रहिए. ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.